तो हेलो गाइस, सब लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं इवो क्रू। तो जैसा तुम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था, पिछले एपिसोड में हम लोग ने केव ऑफ वंडरस, जो भी अजीब सा नाम था उस केव का, उसको एक्सप्लोर किया था। उस केव ने फिर हमारा लंबा वाला काट लिया, मतलब हम लोग ने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लोर किया और पता चला हम बार बार उधर ही घूम घूम के पहुंच रहे हैं। मतलब उस केव का पता नहीं क्या राज है, मतलब उसके अंदर कौन सी अजीब सी शक्ति है जो हम लोग को रिटर्न भेज दे रहा है। बट फिलहाल के लिए उसको छोड़ो, तो अब हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट सिटी में, जैसा मैंने तुम लोग को पिछले एपिसोड में वादा किया था, जिसका नाम है मेंटल सिटी। अब वहाँ मेंटल लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं आई डोंट नो, बट वहाँ जाके ही पता चलेगा। सो या फिलहाल के लिए तो हम लोग निकलते हैं मेंटल सिटी में। बट मेंटल सिटी में जाने से पहले हमें एक मेंटल मिल गया, मतलब रस्ते में। ओके, मोई मोरी गिव मी अ गुड फाइट चाइल्ड। ओके, तो बोलता है कि मेरे से, क्या बोलते हैं, मेरे से एक बढ़िया फाइट करो बच्चे। क्या यही काम मेरे को बचा है? मतलब यह यार, एपिसोड चालू करते एक मतलब आंटी मिल गई जो हमसे फाइट करने आ गई है। मतलब ये आंटी मोई मोरी, मतलब ये नाम पढ़ के लग रहा था मेरे को बंदा है, बट ठीक है, आंटी है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ओके, सो मैं आज के एपिसोड में ज़्यादा बोलूँ तो मैं सीड्रेक के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, और रेंजफर और बोले तो फॉरनेस के ऊपर, बिकॉज उन तीनों के लेवल बहुत ज़्यादा कम है और मेरे को सीड्रेक को डार्क टाइप में इवॉल्व करना है, तो या उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने उसको 27 लेवल का कर दिया है, बट फिलहाल के लिए अभी भी मतलब कहें तो कम लेवल है, प्लस एफिशिएंसी भी कम है। तो लेवल कितना भी हो जाए, एफिशिएंसी जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये इवॉल्व होने वाला नहीं है। तो या तो फिलहाल के लिए निकालते हैं सीधा फर्नेस। वैसे तो वो रॉक टाइप निकाला है, तो अपना फर्नेस काइंड ऑफ उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है, बट क्या ही कर सकते हैं। मतलब या मेरे को असल में तो रेंज ऑफ फर को निकालना चाहिए था, बट ठीक है। ओके, तो सीधा चालू करते हैं फ्लेम थ्रोवर से। आई थिंक सो फ्लेम थ्रोवर उसकी वाट लगा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत तो लगा ही देगा। ओके, फ्लिंच हो गया भाई साहब, ये आते ही फ्लिंच होना चालू हो गया। मतलब या ओके, बढ़िया फ्लेम थ्रोवर, 30 डैमेज, नॉट बैड। मतलब यह कहें तो नल्ला डैमेज था, मतलब यह क्या ही बोलना। तो रेंजर फर को बुलाते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ट्रैक क्या बोलते रॉक टाइप के सामने मेरा फर्नेस टिक पाएगा, और मेरा रेंजर फर पे भी मेरे को थोड़ा बहुत शक है, बट ये एयर टाइप है तो शायद टिक जाए। मतलब यह इसके पास एक वाटर अटैक भी है, सो यह अपने पास चांसेस है। तो फिलहाल के लिए गीगा ब्लास्ट से चालू करते हैं, क्योंकि गीगा ब्लास्ट अपना अल्टीमेट अटैक है, उसको अच्छा खासा डैमेज तो दे ही देगा ऑफकोर्स। ओके, कस्टिंग अपने ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं, तो सीधा करते हैं स्क्विट, बिकॉज वो रॉक टाइप है तो उसके ऊपर स्क्विट आराम से इफेक्ट होगा, बिकॉज वो वाटर टाइप अटैक है। ओके, तो उसने हमको फिर से फ्लिंच कर दिया, बट भाई साहब कितने बार फ्लिंच करेगा ये लौंडा, मतलब या मतलब ये आंटी, मतलब मैं लौंडा बोल रहा हूँ, आंटी है ये, तो आंटी बड़ी कमाल की है, मतलब बोले तो बवाल आंटी है, इनसे बच के रहना पड़ेगा सीधा सी बात बोले तो। मतलब या हर बार पे फ्लिंच कर दे रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मार रही है, अपना क्या बोलते हैं क्रू हिल तक नहीं पा रहा है, इसीलिए फ्लिंच हो रहा है। ओके, सीड्रैक हो गया 28 लेवल का, नॉइस काफ़ी बढ़िया। ओके, तो इसके पास है आर्मड राजा, तो आर्मड राजा, ओ भाई साहब मैंने ये फोकस नहीं किया था कि इसके पास 6 क्रू है। मतलब या मतलब मुझे लगा 1-2 क्रू होगा, बट यार ये तो 6 लेके घूम रही हैं, तो अपने को थोड़ा मतलब थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा इनको हराने में, बिकॉज अपना रेंजर फर ही बस एक ऐसा लौंडा है जिसके पास एक वाटर अटैक है, और या इसका ही अटैक इसके सामने आई थिंक सो यही बंदा है जो टिक पाएगा, क्योंकि मैं इन्हीं तीनों का लेवल अप करने वाला हूँ। सो मैं स्टैम्प आउट का यूज नहीं करूँगा आज के एपिसोड में, मतलब एमरजेंसी रहा तो यूज करना पड़ेगा, बट मैं फिलहाल के लिए तो कुछ भी करके मतलब अपना जहाँ तक बोले तो यूज करने वाला नहीं हूँ स्टैम्प आउट का। और क्या बोलते हैं उसका एक और बंदा था, मैं उसका नाम भूल गया, वो द हेक। ओके, सो स्टैम्प आउट के बाद कौन था, मैं उसका नाम भूल गया। ओके, हाइड राजा, तो हाइड राजा का भी मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, वैसे हाइड राजा इसको इजी पीजी हरा सकता था, बट ठीक है। तो गीगा ब्लास्ट से चालू करते हैं, और गीगा ब्लास्ट इसको ठीक ठाक डैमेज देगा ऑफकोर्स, यही बात है, मतलब गीगा ब्लास्ट इसको इतना डैमेज दे देता है कि अपना काम बन जाता है। ओके, स्क्विट आ गया, बहुत बढ़िया। ओके, बढ़िया डैमेज तो ठीक ठाक हो रहा है, मतलब कहें तो अपना रेंजर फरी आराम से इन लोगों को निकाल सकता है, बट एक हिसाब से बैटल काफ़ी लंबा खींच जाएगा, मतलब या इसको आंटी को हराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट एक्सपीरियंस भी दबा के मिल रहा है, मतलब एक हिसाब से कहें तो अपने रेंजर फर का लेवल अप बहुत खतरनाक वाला होगा। ओके, तो इसके पास है और फर्डो, ओ भाई सब सारे के सारे रॉक टाइप, मतलब एक हिसाब से आप उन एडवांटेज में भी हैं और काइंड ऑफ डिसएडवांटेज में भी हैं, बिकॉज अपना हेल्थ ख़त्म हो रहा है और अपने पास अभी तक हीलिंग मूव अपना आया नहीं है, या मतलब सही अभी तक अल्टीमेट आ चुका बट अभी तक हीलिंग मूव नहीं आया। इसका हीलिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रिचार्ज होने में, आई डोंट नो इतना ज़्यादा क्यों लेता है, बट यह सच में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पर ठीक है, कम से कम अपना स्क्विट अटैक जल्दी जल्दी आ रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर मतलब अपन डैमेज दे पा रहे हैं, और डैमेज दे पा रहे हैं तो अपना चांसेस बढ़ रहा है जीतने का। वैसे हीलिंग एबिलिटी आ गया तो इसको यूज करते हैं, बिकॉज आप उन कभी भी मर सकते हैं। तो या रिगेन, लेट्स गो, बढ़िया रिगेन से वैसे 75% HP हील होता है, कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, बट कहें तो अपने पास उससे बेटर है भी नहीं, तो या फिलहाल वही बेस्ट है। ओके, सो स्क्विट एक और,
इससे आई थिंक सो मर जाना चाहिए या बढ़िया। तो इस बंदे को भी हरा लिया भाई साहब, एक्सपीरियंस तो दबा के मिल रहा है। मतलब ये आंटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं सीधा सी बात कहें तो, बिकॉज उनके पास 6 क्रू हैं और उसके पास सारे के सारे रॉक टाइप हैं। आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि नेक्स्ट जिम रॉक टाइप है क्या, मतलब जो मेंटल सिटी है वो रॉक टाइप होने वाला है। वैसे तो बात से मतलब जो उसका प्रोनंसिएशन है जैसे मेंटल सिटी, वो सुन के लग रहा है कि वो डार्क टाइप आई थिंक सो होगा मतलब या। बट क्या ही बोलना, ये आंटी पूरा की पूरा रॉक टाइप इस्तेमाल किए जा रही हैं। ओके अपन क्लिंच हो गए और अपना जीतने का चांसेस हो गया बोले तो बहुत ज़्यादा कम, मतलब अपन कभी भी मर सकते हैं। अपना HP देख रहे हो, मतलब कभी भी अपन टपक सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अपन फर्नेस को निकालते हैं, फर्नेस शायद से इसके सामने कुछ बिगाड़ पाए शायद से। वैसे अपने पास है एक अटैक, बट वो अटैक से अपन अपने आप को भी डैमेज ले लेंगे, तो ये थोड़ा सा अपना नुकसान है। बट फिलहाल के लिए अपन फीनिक्स फायर की तरफ जाते हैं, क्योंकि फीनिक्स फायर अपना HP फुल कर देगा, फिर अपन वो रिस्क ले सकते हैं। मतलब अपना HP घटाने वाला अटैक जो है उससे रिस्क ले सकते हैं, मतलब अपन बचेंगे या मरेंगे वो तो ये अटैक इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। तो रेस्पिरेट, ओके 100 का डैमेज हो भाई साहब, क्या बचाओ लौंडा। ओके तो हमारा HP इतना कुछ खास गया तो नहीं, बट इस अटैक के बाद बहुत ज़्यादा HP चला गया। प्लस अपन फ्लिच हो गए तो अपना अटैक आई थिंक से उसको लगेगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सीट्रैक को बुला लेते हैं, सीट्रैक लौंडा इतना HP तो घटा ही देगा सामने वाले का। ओके तो मैं ट्रैप हूँ, वाह भाई साहब, मतलब मेरे को फर्नेस का बलिदान देना पड़ेगा, बट मेरे को ये मंजूर नहीं है। तो मैं फर्नेस का बलिदान देने वाला नहीं हूँ, तो मैं सीफा और भी यूज करूँगा और इसको हील करूँगा, बिकॉज मुझे इसका लेवल अप चाहिए, ना कि इसको टपकना है। मतलब या अभी ये बंदा टपक गया मतलब, तो हमें जाना पड़ेगा अपने आप को हील करने के लिए, तो और ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा जैसे इससे लड़ने में बर्बाद हो रहा है। तो क्या बोलना, ओके तो आई थिंक सो इसका क्रश से काम हो जाना चाहिए, बस ये फ्लिंच ना हो। तो ये बार बार बंद मतलब बोले तो आंटी के पास ऐसे ऐसे खतरनाक क्रू हैं जो हमको फ्लिंच ही कर दे रहे हैं, मतलब या तो कहें तो आंटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब या ही क्या ही बोलना। ओके 43 बहुत बढ़िया फर्नेस, ओके फर्नेस का बच्चा अपना अल्टीमेट मूव आई थिंक सो 45 लेवल पर सीखेगा मेरे को जहाँ तक लगता है, पर ठीक है बस सीख जाए ये अपने को, मतलब है मतलब कितने भी लंबे टाइम लेके ये सीखे बस सीख जाना चाहिए वो अटैक, बिकॉज अपने को अभी अल्टीमेट अटैक का काम है और अपने पास कोई एक ऐसा अटैक नहीं है जो मतलब अल्टीमेट के खिलाफ टिक पाए। ओके तो फीनिक्स फायर, बिकॉज मैं फिर से वो रिस्क वाला मूव यूज करने वाला हूँ, तो मेरी HP जा सकती है बिकॉज वो रॉक टाइप है और आई थिंक सो इलेक्ट्रिक टाइप भी है बिकॉज वो इलेक्ट्रिक मूव यूज कर रहा है। तो रेस्पिरेट फिर से, ओके 8 इस बार 84 का डैमेज हुआ बट मेरी वार्ड ज़्यादा लग गई। ओके डिस्चार्ज नॉइस लौंडे, मतलब लौंडा काफ़ी ज़्यादा, मतलब लौंडा बोल रहा यार, बार बार मैं भूल जाता हूँ, ये आंटी है मैं बार बार भूल जाता हूँ, आदत हो गई है लौंडे बोलने की, क्या ही बोलूँ। मतलब इसमें मैक्सिमम लौंडे ही मिलते हैं और बहुत कम मतलब लौंडियाँ मिलती हैं, और लौंडे ही ज़्यादा बोलना, और आंटी तो अभी फर्स्ट टाइम अपने को मिली है बैटल करने के लिए। तो या मुँह से वही निकल रहा है बार बार, बट ठीक है आई थिंक सो अब ट्रैप नहीं है, तो अपना सीड्रैक कमाल दिखा सकता है, बस सीड्रैक बवाल होकर मर ना जाए कोई भरोसा नहीं। मतलब अपना लेवल बहुत कम है बट अपने सीड्रैक के पास एक खास एबिलिटी है, मतलब वो जब आता है तो पैरालाइज हो जाता है, वो आता है क्या बेकार एबिलिटी है। मतलब मैं कहना चाहता था कि ये जब आता है बैटल में तो ये सामने वाले को चिल कर देता है, मतलब या ओके। ओ भाई साहब ये तो वाट लगा सकता है, हरिकेन मार दे प्लीज़। ओ भाई साहब मैं गलत मूव इस्तेमाल कर लिया, मेरे को इसको डार्क टाइप में इवॉल्व करना है बट मैं हरिकेन कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो आई थिंक सो अपने रेंज ऑफ फायर का शायद मूव हो गया होगा, मेरे को लगता है नहीं हुआ होगा तो फिर तो अपनी वाट लग जाएगी, एक हिट में अपन मारे जाएंगे। ओके बाइट अटैक गए अपन, मतलब अपना रेंज ऑफ फायर जा चुका है, मुझे लगा ही था ये आंटी हमारी घंटी बजा देंगी, मतलब या क्योंकि इनके पास जैसे क्रू थे उसके हिसाब से तो कहें आंटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, पता नहीं क्यों इतना पावरफुल हैं ये आंटी बट हैं। ओके तो एक और सीफा ड्रॉप यूज कर लेते हैं, मतलब सीफा ऑर्ब ड्रॉप तो इसके नॉर्मल वाले वर्जन का नाम है, तो सीखे आई थिंक सो अब मेरे को पोषण के सहारे टिकना पड़ेगा इस बैटल में, बिकॉज आप इस बैटल में 2 पोषण इस्तेमाल कर चुके हैं, इससे अपने को पता चलता है कि आप उन कितने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, तो अपने को लेवल अप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब या सो सीधा फ्लेम थ्रोवर आई थिंक सो उससे डैमेज हो जाना चाहिए था बट ठीक है बर्न हो गया नॉइस, मतलब मुझे लगा कि उससे टपक जाएगा बट ठीक है बर्न हो गया तो इससे तो टपक ही जाएगा, मतलब या तो आप उन किसी भी तरह मतलब कहे तो आंटी से भीड़ भिड़ा के जीत गए बट अपना सीट्रैक हो गया 29 लेवल का बिकॉज वो लौंडा भी हिम्मत से लड़ा था। ओके 30 लेवल बहुत बढ़िया, 31 लेवल वाह भाई सब बढ़िया पे बढ़िया। ओके सो हम लोग ने फाइनली मोरी को हरा दिया, आंटी तुम बड़ी खतरनाक हो दोबारा मिल मत जाइयो, मतलब या सच में मत मिल जाना, मतलब कौन लड़ेगा भाई इस आंटी से दोबारा, भाई आंटी घंटी बजा देंगी। ओके तो म्यूटर टाउन में आप उन कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं पहुँच गए, अब मास्टर क्या मैस्टर
लुक हू द मिस्टर बैंक सूट। ओके तो देखो कौन आया मिस्टर बैंक सूट। आई जस्ट सॉ सम किड वॉकिंग बाय ड्रेस एग्जैक्टली लाइक यू। ओके तो बोलता है कि मैंने एक लड़के को देखा जो तुम्हारे जैसा कपड़ा पहना है और अभी वो गया है। लुक्स लाइक अ पीपल आर क्या स्टार्टिंग टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट। ओके तो लगता है कि सब लोग तुम्हारे टैलेंट को पहचानना समझ गए हैं। सो ये वही मास्टर तो नहीं है जो अपने को वहाँ मिला था, क्या बोलते हैं 50 आर्केड वुड्स में, मतलब यह मेरे को वही लग रहा है। वेल लेट्स सी इफ गुड क्या मास्टर कैन स्टिल टीच यू अ थिंग आर टू। ओके तो बोलता है चलो देखते हैं कि मेरे पास कोई और चीज़ सिखाने के लिए है तुम्हें कि नहीं। ओके सो ये वही अंकल है मतलब जो हमें 50 आर्केड वुड्स में मिले थे वो मास्टर वाले, मतलब ये मास्टर ब्लास्टर क्या ही बोलना हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, इनको भी कोई काम धंधा नहीं है, मतलब ये हमारा पीछा करना इनका काम बन चुका है, बट ठीक है। सो फर्निस को बुलाते हैं, फर्निस आई थिंक उसको संभाल लेगा बिकॉज वो नॉर्मल टाइप है, वैसे नॉर्मल टाइप का कोई कमजोरी नहीं होता बट ठीक है। ओके गीगा ब्लास्ट बट मेरा कमजोरी हो सकता है बिकॉज वो अल्टीमेट यूज कर रहा है और मेरे पास कोई अल्टीमेट नहीं है। सो फीनिक्स फायर के साथ जाते हैं बिकॉज फीनिक्स फायर अपना HP तो बढ़ाता ही है प्लस अपने अटैक को भी बूस्ट कर देता है, तो अपन इस तरफ से मतलब कहें तो एडवांटेज में आ जाते हैं, बट ये एडवांटेज पता नहीं कितना टाइम टिकेगा और कितना टाइम नहीं, वो तो अपने को बैटल करने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्लेम थ्रोअर से शुरुआत करते हैं, वैसे वो कन्फ्यूज है बट ठीक है, उसके बॉडी फ्लैम अपने को पड़ गया पता नहीं कैसे बट ठीक है। फ्लेम थ्रोअर लेट्स गो 61 का डैमेज ठीक है, काइंड ऑफ डैमेज बढ़िया है बट वो बर्न हो गया तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ, मतलब बर्न हो गया तो आप एडवांटेज में आ गए और वो कन्फ्यूज तो पहले से है बट वो बंदा कन्फ्यूज दिख नहीं रहा है, मतलब उसके ऊपर कन्फ्यूजन लिख के आ रहा है बट वो बंदा कन्फ्यूज नहीं है और बस हमारी वाट लगाया जा रहा है। ओके क्रश काफ़ी बढ़िया। सो मेरे को फीनिक्स फायर की ज़रूरत है, वैसे मेरा फीनिक्स फायर चार्ज नहीं है और ये क्या बोलते हैं ये अटैक करूँगा तो मेरी वाट लगने वाली है, मतलब या सो मेरा जीतने का चांस बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। ओके रेस्परेट ओके थैंक यू मिस करने के लिए, वो क्या है और सब एक बार बढ़िया काम किया फर्नेस ने, रेस्परेट मिस कर दिया, मतलब रेस्परेट अपन करते तो अपना HP जा सकता था और अपनी HP जाती तो हमारी वार्ड इजीली लग जाती। ओके तो फाइनली आई थिंक सो मारा गया सुपर पावर, पता नहीं किस चीज़ का सुपर पावर था पर ठीक है। ओके सिड्रैक 32 लेवल का, बिन फोकट का लेवल अब वैसे मेरे को ज़रूरत है सिड्रैक की। ओके तो सिड्रैक से कहा वर्ल पूल अटैक। ओके 33 लेवल बहुत बढ़िया सिड्रैक लेट्स गो, सिड्रैक तो बवाला मचा रहा है मतलब क्या ही बोलना, बट अपन ओ इसके पास ब्रिटिश सिड्रैक है, वो भाई साहब अपन गलत फंस गए भाई साहब। आज के एपिसोड में मेरे को लगता है पोशन पे पोशन यूज करना पड़ेगा, जो मैं पिछले एपिसोड में पोशन खरीदा था वो आज के एपिसोड में पूरा बर्बाद करना पड़ेगा मेरे को, मतलब या क्या ही बोलना, तब सारे लौंडे कुछ ज़्यादा खतरनाक है, दैट्स व्हाई मैं अपना लेवल अप कर रहा हूँ क्योंकि आगे और भी बंदे और भी खतरनाक लेवल के साथ आएंगे और अपने फर्नेस का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। ओके स्टैम्पॉड को उसने जानबूझ के बुलाया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं स्टैम्पॉड का पावर यूज कर रहा हूँ। ओके तो लौंडा डर के भाग रहे भाई साहब, एक बार बुलाया तो हिम्मत है तो भीड़ ना भाई, मतलब या मैं स्टैम्पॉड का आज के एपिसोड में यूज करने वाला था नहीं, तो या इमरजेंसी है दैट्स व्हाई मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे मेरी गलती नहीं है, उसने खुद स्विच किया है मतलब या। ओके तो सीधा करते अर्थक्विक, आई थिंक सो अर्थक्विक इसके ऊपर इफेक्ट होगा बिकॉज ये नॉर्मल है और नॉर्मल के ऊपर कुछ भी अटैक इफेक्ट होता है और कुछ भी नॉट इफेक्ट भी होता है, मतलब क्या ही बोलना। ओके तो बढ़िया लीफ कैनन, आई थिंक सो इसका काम बन जाना चाहिए था बट नहीं बना, नो प्रॉब्लम, स्टिल अपने पास नट क्रैकर है, वैसे मेरा स्टैम्पॉड कहाँ गायब हो गया भाई। ओके मिस एक और ग्लिच भाई साहब, गेम में आजकल ग्लिच कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे, मतलब यार इस गेम में अपडेट आना चाहिए यार, अभी तक अपडेट नहीं आया इस गेम में और ग्लिचेस में देखते जा रहा हूँ, मतलब दो बार अपना ये दोबारा हो रहा है, मतलब पहले भी एक टाइम पे स्टैम्पॉड गायब हो गया था, अब ये सेकेंड टाइम स्टैम्पॉड गायब हो गया है, क्या ही बोलना, मतलब कुछ भी चल रहा है गेम में, मतलब कुछ भी बोले तो कुछ भी, मतलब इस गेम को फिक्स करने की ज़रूरत है। ओके ये पेड वर्जन है फिर भी ये कंपनी इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, मतलब इसमें कितने सारे ग्लिचेज हैं यार। ओके अर्थक्विक बहुत बढ़िया। ओके रीबस का बच्चा गया तो अपने को स्टैम्पॉड अब बदल लेना चाहिए, वैसे स्टैम्पॉड 51 लेवल का हो गया, स्टैम्पॉड भी लाइक बल्ले बल्ले हो रहा है मेरा, मतलब यार स्टैम्पॉड तबाही मचा रहा है चारों तरफ। ओके फर्नेस आई थिंक सो अपना फीनिक्स फायर चार्ज हो गया होगा मेरे को जहाँ तक लगता है, और चार्ज हो गया होगा तो अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज उसका मेरे को काम है और ये सीट्रैक का फिर से यूज कर रहा है, तो या फीनिक्स फायर के तरह चलते हैं, वैसे तो अपन मारे जा सकते हैं बिकॉज उसके पास मैक्सिमम अटैक वाटर होंगे और या उसको हरिकेन या वर्लपूल आता ही है जैसा अपने वाले सीड्रैक ने सिखाया, बिकॉज उसका लेवल ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उसको आता होगा, तो रेस्परेट के साथ जाते हैं और रेस्परेट लगा ही नहीं, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ओके तो उसने मेरे को चिल कर दिया, चिल ओंडे सब कुछ चिल करो, ओ भाई साहब मैं मारा जा सकता हूँ, मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ सचमुच, मेरे को
इसको क्या बोलते हैं बदल देना चाहिए, मेरे को स्टैम्प पॉड को बुला लेना चाहिए। अब ये मेरे पास क्योंकि कोई और चारा नहीं है स्टैम्प पॉड को बुलाने के सिवाय, वैसे उसने मेरे को ट्रैप कर दिया बहुत बढ़िया। मतलब या अब मैं अपना क्रू भी नहीं बदल सकता, और या अब मेरे फर्नेस को मरना ही पड़ेगा, और फर्नेस मर गया तो मतलब अपने को लेवल नहीं मिलेगा, और लेवल नहीं मिलेगा तो मतलब फिर से अपने को अपना सिर पटक के लेवल अप करना पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ अपने लिए प्रॉब्लम है, बट क्या ही कर सकते हैं। ओके फर्नेस मरना नहीं, बहुत बढ़िया फर्नेस। ओके अपने पास एचपी है, इसने क्या किया भाई साहब, ये लौंडा भाई काफ़ी ज़्यादा दिमागदार है। मतलब ये ऑफकोर्स एक मास्टर है, मतलब कहे तो टीचर है, तो टीचर होने के नाते इसके पास आइडिया तो होगा कि कौन सा क्रू किसके सामने कब इस्तेमाल करना चाहिए। और ये मेरा स्टैम्प पॉड कहाँ गायब हो गया भाई, मतलब मेरे बाकी क्रू दिख रहे हैं बट स्टैम्प पॉड नहीं दिख रहा है, ये अजीब लग रहा है मेरे को। मतलब क्या ही हुआ, कौन सा अजीब सा ग्लिच है, मतलब स्टैम्प पॉड दिख ही नहीं रहा है, बाकी सारे क्रू मेरे दिख रहे हैं। अभी जैसे फर्नेस को बुलाया था तो फर्नेस दिख रहा था, बट ये स्टैम्प पॉड का बच्चा दिख ही नहीं रहा है, अजीब ही ग्लिच है भाई साहब। और ये ग्लिच मैं ठीक भी नहीं कर सकता, मतलब ये ग्लिच ठीक करने के लिए मेरे को पूरा गेम कट करना पड़ेगा, और गेम कट करूँगा। ओ भाई साहब आ गया, कहाँ गायब हो गया था ये, ओके फिर से गायब हो गया, अजीब है। मतलब ये लीफ कैनन करने के लिए आ गया था, पर ठीक है अजीब ही ग्लिच है भाई साहब। मतलब ये आपने को लगता है कि हीलिंग वीलिंग करने की ज़रूरत है तब शायद ये फिक्स हो जाए। मतलब या ओके स्टैम्प पॉड हो गया 52 लेवल का, जो मैं नहीं चाहता था, बट या क्या कर सकते, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था इसको लड़ाने के सिवाय, बिकॉज अपने सारे के सारे क्रू नल्ले हैं, मेरे को उन लोग के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा यार, मतलब क्या ही बोलना। ओके तो स्किन सेट करते हैं, स्किन सेट अपने को अच्छा खासा एचपी रिकवर दे देगा, और मेरे को लगता है कि शायद से अपन उसके सामने टिकेंगे। ओके तो उसने मेरे सीडे को बुला लिया, मेरे को क्या बोलते हैं सीड्रैक को नहीं यूज करना, बिकॉज सीड्रैक मारा जा सकता है, बिकॉज अपना एचपी कम है, प्लस अपना लेवल कम है, प्लस क्या ही बोलना, अपने पास कोई ढंग के अटैक्स नहीं है। ओके बढ़िया कर ले भाई स्किन सेट, प्लीज़ स्टैम्प पॉड के बच्चे, और तू अपना थोपड़ा दिखा दे, मतलब इतना भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है स्टैम्प पॉड के बच्चे, मतलब कुछ भी कर रहा है, मतलब ये गेम वाला, ये क्या ही बोलना, गेम ग्लिच किया है या ये पता नहीं कोई स्किल है या आई डोंट नो क्या है, बट मेरे को लग रहा है कहाँ जहाँ कर ये गेम ग्लिच हो गया है, मतलब या इसलिए अपना बंदा दिख नहीं रहा है स्टैम्प पॉड। ओके आई थिंक सो अर्थक्विक से इसको थोड़ा बहुत तो डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई मिस कर दे अटैक, नहीं होगा। लीफ कैनन, ओके लीफ कैनन मार दे भाई, ये लीफ कैनन मारते टाइम दिखता है, बाकी सारे अटैक के टाइम दिख ही नहीं रहा है, अजीब ही है बट ठीक है क्या ही बोलना। ओके तो अपना सी ट्रैक हो गया 34 लेवल का विथ न्यू अटैक फ्रॉस्टी, क्या फ्रॉस्टी, ओ भाई सभी तो हमारे नेक्सोमॉन के एक बंदे का नाम है फ्रॉस्टी। ओके ठीक है तो 35 लेवल का हो गया अपना क्या बोलते हैं सी ड्रैक। दिस टाउन इज हैज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, ओके तो इस टाउन में बहुत ज़्यादा मतलब कहें तो हिस्ट्री है, मतलब इतिहास है। यू शुड टॉक टू द लोकल्स एंड गेट द आइडिया व्हाट द जेनिथ हैज बीन थॉट, ओके तो तुम्हें लोकल से मतलब यहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि जेनिथ का आखिर मतलब सोच क्या है, मतलब यहाँ के जेनिथ के वासियों का। इट विल बी गिव यू अ ग्रेटेस्ट अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट क्रू इज, ओके तो ये तुम्हें बता सकता है कि आखिर क्रू का मतलब इधर काम क्या है। मैक्सवेल अंटिल वी मीट अगेन, ओके तो हम दोबारा मिलेंगे, वाह भाई साहब ये कितने बार मिलेगा, मतलब ये कहें तो अपने को मैक्सिमम टाइम दिखा ही दिखा है। ओके तो अभी हमें फिलहाल के लिए तो आई थिंक सो हम लोग मेट्रो पे आ चुके हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेंटल सिटी जो भी सिटी है। ओके और यहाँ के लोकल से उसने बात करने को कहा था, बट मैं फिलहाल के लिए लोग से बात करने से अच्छा मैं क्या बोलते हैं क्रू सेंटर ढूंढना चाहूँगा, बिकॉज मेरे हालत खस्ता है और मेरे को, ओ भाई साहब ये क्या, ओके ल्यूमिनियस रॉक, आई थिंक सो इधर बात करना पड़ेगा, आई थिंक सो इन लोग मतलब कुछ है नहीं इधर हीलिंग का, तो अपने को इन लोग से बात करके पता लगाना पड़ेगा कि इधर हील कौन करता है, मतलब या कोई ना कोई बंदा होगा इधर जो हील करता होगा पक्का डेफिनेटली, मतलब ऐसे टाउन में जब तुम्हारे पास हीलिंग के लिए कोई ना हो तो कोई बंदा होता ही हील करने वाला। ओके सिटीजन म्यूचुअल टाउन इज नोन एज द सिटी ऑफ डेथ, ओके तो म्यूचुअल टाउन क्या बोलते हैं क्या डेथ मतलब मरे हुए सिटी के नाम से जाना जाता है, मतलब डेथ की सिटी से जाना जाता है, मतलब क्या ही बोलना भाई। सिंस वी हैव अ वन हु बिगेस्ट क्या क्रिमिनिस्ट्रिश द वर्ल्ड, ओके तो एक टाइम पे सबसे बड़ा इधर ही क्रिमिनिस्ट्रिश होगा हुआ था, मतलब आई थिंक सो कोई क्राइम हुआ था बड़ा सा, पता नहीं क्या बोलना चाहता है, मतलब या बहुत सारे वर्ड्स का तो मेरे को मतलब ही नहीं समझ आता है तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब या ओके द सीमेंट्री इज अ फील्ड विद क्या सोल्जर्स फ्रॉम द लास्ट ग्रेटेस्ट वॉर, ओके तो जो यहाँ का सीमेंट्री है मतलब कहें तो इधर का जो कब्र है या कहें तो जो भी वो पूरे मतलब सोल्जर्स के लाशों से भरा हुआ है, मतलब या उन लोग के
बहुत खतरनाक वॉर हुआ था यहाँ जहाँ तक लगता है, मतलब इन लोग की बात सुन के। ओके सो आई थिंक सो ये सिटी में वॉर हुआ था शायद से क्रू के बीच में और इंसानों के बीच में, आई थिंक सो। आई जस्ट रीड अ क्या इंटरेस्टिंग बुक डिस्क्राइबिंग द क्या एबिलिटीज ऑफ क्रू। ओके तो बोलता है कि मैं अभी एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ जो क्रू के एबिलिटीज़ के बारे में बताता है। एबिलिटीज डिफरेंट फ्रॉम द क्या टैलेंट्स इज दैट अ वेग यू क्रू ओवर पावर क्या ओवर वर्ल्ड इफेक्ट। ओके तो एबिलिटीज मतलब टैलेंट से अलग होते हैं और वो मतलब कहें तो क्रू का ओवर वर्ल्ड में वो इफेक्ट काम करता है, जैसा मैंने तुम लोग को बहुत पहले ही एक्सप्लेन किया था, मतलब जब मेरे को पता चला था। द एग्जाम्पल ऑफ बुक गिव अस द एबिलिटी स्विम। ओके तो जैसे एग्जाम्पल के कहें तो इस बुक में लिखा है स्विम अ क्रू विथ अ स्विम कैन क्या ट्रेवल्स ओवर द वाटर एरिया। ओके तो क्रू जो स्विम क्या बोलते हैं एबिलिटी के साथ पानी के ऊपर चल सकता है, मतलब तैर सकता है ये कहना चाहता है। ओके सो और कोई है क्या इधर जो हम लोग को कुछ जानकारी दे सकता है, मतलब ये अंकल से तो अपन बात किए, ये सोल्जर्स के बारे में बताए, आई थिंक सो ये आंटी कुछ बता दे अपने को। ओके द सीमेंट्री इज अ फील्ड विद द सोल्जर्स फ्रॉम द क्या लास्ट ग्रेट वॉर। ओके तो सीमेंट्री मतलब बोले तो सोल्जर से भरा हुआ है लास्ट वॉर की वजह से। वुड यू लाइक टू मी क्या टू क्या रिगेल यू द टेल ऑफ ग्रेटेस्ट वॉर। ओके तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे खतरनाक वॉर के बारे में। ओके क्यों नहीं, हम क्यों नहीं जानना चाहेंगे, मतलब इतना दूर आए हैं तो ये जानना तो जरूरी है, मतलब ये ऑफकोर्स गेम खेल रहे हैं तो इसकी कहानी तो जाननी ही पड़ेगी। द ग्रेट वॉर अ वर्ल्ड वॉर दैट्स कंज्यूम द वर्ल्ड। ओके तो एक ऐसा वॉर जिस वॉर में मतलब पूरे वर्ल्ड को ले लिया था। द हॉरर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉर आर टू मैनी टू क्या रिकाउंट। ओके तो एक ऐसा खतरनाक वॉर जो मतलब बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया था। जेन प्लेस द वॉर स्टार्टेड क्या 100 years अगो वेन द नेबरवुड कंट्री अटैक द जेनिथ। ओके तो जेनिथ का प्लेस में मतलब जेनिथ पे बोले तो 100 साल पहले अटैक हुआ था जब इन लोग की मतलब कहें तो नेबर कंट्री मतलब पड़ोसी कंट्री अटैक की थी जेनिथ पे। दे कम फ्रॉम द क्या सीज ऑफ द साउथ विद द क्या मर्चेंट क्रू। ओके तो वो मतलब साउथ में से आए थे से, मतलब समुंदर के मदद से अपने क्रू के। द हंड्रेड ऑफ हंड्रेड्स लैंड्स ऑन आवर क्या शूज। ओके तो 100 लोग मतलब हमारे क्या बोलते हैं लैंड पे अपने पैर रखे थे। मैनी ऑफ मैन डेड फाइटिंग द प्रोटेक्ट दस लैंड। ओके तो बहुत सारे लोग मारे गए इस लैंड को बचाने के चक्कर में, मतलब इस धरती को बचाने के चक्कर में। द वॉर क्या लास्ट फॉर 25 years एट द लेफ्ट पार्ट ऑफ जेनिथ डिसोल्ट। ओके तो मतलब ये वॉर 25 साल पहले ख़त्म हुआ मतलब या और जो बाकी पार्ट है जेनिथ का वो अलग कर दिया गया। द डेड वेयर कैरिड ऑफ द क्या रफ सेंचुरी अलॉन्ग विद द क्रू वेयर दे आर लेड अरेस्ट। ओके तो मतलब जो क्या बोलते हैं क्रू और या मतलब जो जितने भी सिपाही हैं वो मारे गए थे, उन लोग को मतलब कहें तो एक जगह पर रेस्ट करने के लिए डाल दिया गया। आई कैन टेल यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ इवोकर इफ़ यू वॉन्ट लुक लाइक। ओके तो मैं बोल रही है कि मैं तुम्हें इवोकर के बारे में भी ओरिजिन बता सकती हूँ। ओके आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। ओके तो जब वॉर ख़त्म हो गया द क्या नेशन ऑफ द वर्ल्ड एग्री दैट समथिंग नीड टू बी डन प्रिवेंट अनदर क्या डिविस्टेशन वॉर। ओके तो वॉर ख़त्म होने के बाद मतलब सारे नेशन को ये पता मतलब ज़रूरत हुआ मतलब कहें तो एक ऐसी चीज़ की मतलब जो वॉर कभी स्टार्ट ना होने दे, मतलब दोबारा वैसा वॉर का क्या बोले तो कहें तो मौका ना आए, मतलब वैसा वॉर होने का फिर से, मतलब वो ख़तरनाक लड़ाई दोबारा ना हो। एन आइडिया वॉज अ क्या फोर्थ ऑफ गेम दैट वुड अ चैनल टू क्या एग्रेशन ऑफ अर्थ नेशन अवे फ्रॉम अ वॉर। ओके तो उन लोग का एक ऐसा आइडिया था, मतलब एक गेम बनाए जिसमें मतलब सारे नेशंस खेलें और मतलब वॉर के बारे में जाने। द क्रू वुड बी द सोल पार्टिसिपेट दस गेम्स। ओके तो क्रू मतलब इस गेम में पार्टिसिपेट किए। द गेम वुड बी क्या लेटर बी आर नोन एज इवोकर तो वो गेम मतलब बाद में इवोकर के नाम से जाना गया। वाह भाई साहब क्या ओरिजिन है, मतलब या वॉर ख़त्म करने के लिए एक गेम बनाए कि सारी कंट्री वो गेम खेले और वॉर छोड़ दे। वाह भाई साहब क्या ही कहानी है, मतलब वाह इन लोग को कहानी लिखने के लिए मतलब दाद देनी पड़ेगी भाई साहब, क्या ही बोलना भाई, क्या ही कहानी लिख रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल कहानी भाई। देर वॉज क्या देर हैव नॉट बीन एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट सिंस द वॉर ग्रेटेस्ट वॉर। ओके तो उसके बाद हम लोग को कोई और खतरा देखने नहीं मिला उस वॉर के बाद। विच हैज़ बिन क्या एट्रीब्यूटेड द सक्सेस ऑफ इवोकर तो ये बताता है मतलब इवोकर के सक्सेस को।
एज अ इवोकर यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर देन योर जर्नी टू बी अ कॉलिजियम। ओके, तो बोलता है कि तुम इवोकर हो और तुम्हारा पार्ट बहुत बड़ा है, मतलब सिर्फ तुम्हारी जर्नी कॉलिजियम तक ही नहीं है। ओके, एज एन इवोकर यू आर अ क्या बीकन ऑफ जस्टिस एंड पीस। ओके, तो एक इवोकर होने के नाते तुम एक कहे तो शांति और क्या बोलते हैं उम्मीद के एक चीज़ हो, मतलब बीकन मतलब या उम्मीद कह सकते हैं। आई होप यू कैन अप्रिसिएट दैट। ओके, तो मुझे लगता है कि तुम अब सब समझ गए होगे, या कहें तो काइंड ऑफ हाँ भी और काइंड ऑफ ना भी, मतलब या एक गेम बनाने से भाई सब शांति वर्ल्ड में, वाह नहीं नहीं, नहीं वाह क्या ही बात है, ऐसी होने लग गया तो दुनिया तब तो एक हिसाब से आराम से जिएगी। सिटीजन वी हैव अ प्रॉब्लम विथ अ ग्रेव रॉबर्स इन द सिटी। ओके, तो बोलता है कि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ग्रेव्स में से चोरी हो रही है। वाह भाई साहब, आजकल कब्र को भी इन लोग नहीं छोड़ते, मतलब उसके अंदर से भी चोरी करते हैं। अ ग्रेडी ऑफ डिस्क्रेस वॉन्टेड टू बी अ बर्न विद देयर वॉट बिलीविंग दे वुड टेक विद देम। ओके, तो बोल ये वैसे ये मेरे को समझ नहीं आया, बट ठीक है, ऑब्वियसली इट नॉट देम नॉट गुड। ओके, तो बोलती है कि ये अच्छी बात नहीं है। ओके, तो आखिर चोरी कौन कर रहा है पहले ये तो बताओ। डिगिंग डिगिंग, तो आई थिंक सो यही चोर है, मतलब या वाट नथिंग हैपेंड हियर। ओके, कुछ भी इधर नहीं हुआ। ओके, तो यही है वो चोर की बच्ची, बस ये कुछ कहना नहीं चाहती है, मतलब या आई थिंक सो इससे दोबारा बात करने से शायद लड़े अपने से। ओके, तो यही सारी चोरियाँ कर रही है मेरे को जहाँ तक लगता है, बट ठीक है। देर आर लॉट ऑफ क्या एल्डर्स हियर। ओके, तो यहाँ काफ़ी बूढ़े लोग रहते हैं। दे वुड अ लॉट ऑफ विजडम बट दे डोंट सीम क्या टू सिक्स अराउंड टू लॉन्ग। ओके, तो उन लोग ने मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, बट मुझे नहीं लगता उन लोग ज़्यादा टाइम तक इधर रहेंगे। ओके, ऑफकोर्स उन लोग बूढ़े हो गए तो कहाँ अब कितने टाइम रहेंगे भाई साहब, मतलब या इंसान की उम्र 100 साल होती है, उससे ज़्यादा तो रहते नहीं है, मतलब आधे लोग तो उससे पहले टपक जाते हैं, क्योंकि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता, तो क्या ही बोलना। ओके, उससे तो अपन बात कर ही लिए थे, उससे अपने को ऊपर जाना है कि नीचे, मैंने वो नहीं देखा। ओके, क्रिटिव ब्रिज स्ट्रिंग से अपने को क्रूट ब्रिज पे जाना है कि कौन से ब्रिज पे जाना है, एक बार मैं मैप चेकआउट कर लूँ। तो अपन इधर है और इधर है रफ क्या सिरमेंट्री। ओके, तो रफ सिरमेंट्री में आई थिंक सो अपने को जाना है, मेरे को क्यों लग रहा है कि रफ सिरमेंट्री में अपने को वो चोर मिल सकते हैं जो सारा चोरी का माल ले जाते हैं, मतलब यह कह सकते हैं, बट ठीक है। रफ सिरमेंट्री बिलोंग टू द डेड एंड द डेड कीप इट। ओके, तो रफ सिरमेंट्री मतलब मरे हुए लोगों के लिए है, सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए। ओके, तो आई थिंक सो कहें तो यहीं सबकी लाश वाश दफनाते हैं इन लोग, मतलब या भाई साहब क्या ही बोलना, मतलब ये गेम कुछ ज़्यादा हॉरर टाइप नहीं हो गया। ओके, वाह वैसे इसका म्यूज़िक सुनो भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक म्यूज़िक हो चुका है इसका, बट यहाँ भी वही नल्ले वाले क्रू मिल रहे हैं, मतलब मुझे लगा इधर कुछ अलग और बढ़िया से डिफरेंट से क्रू देखने को मिलेंगे, बट नहीं इधर भी वही नल्ले देखने को मिलेंगे, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब या बिकॉज मैं रात के टाइम पे गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो मेरे को डर लग रहा है, क्या बोल रहा हूँ, मतलब क्या ही बोलना। ओके, वैसे ये कुछ बोल रहा था, मैंने देखा नहीं, बट ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ये वैसे ये बच्चा इधर अकेले कर क्या रहा है। ओके, चलो इस देखते हैं ये बच्चा हमारा क्या बिगाड़ सकता है। वैसे इसके पास किंटो पोड है, तो हमारा कुछ ना कुछ तो बिगाड़ ही सकता है, बट हमारे पास भी हाइड्राजा, वैसे हाइड्राजा वाटर टाइप इसके सामने टिकेगा नहीं, तो अपने को स्टैम्पोड ही बुलाना पड़ेगा, क्या ही करें यार, मतलब अपने पास स्टैम्पोड से ज़्यादा पावरफुल कोई क्रू है नहीं, तो ज़बरदस्ती अपने को यही इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और प्लस अपने को कोई हील करने के लिए मिला नहीं सेंटर वेंटर, तो यह क्या कर सकते हैं। ओके, तो मैथ ग्रैब इस्तेमाल करते हैं। ओके, वो पॉइजन कर दिया, तो लौंडा काफ़ी ज़्यादा चालाक है सिंपल सी बात कहें तो, बिकॉज वो सारे के सारी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, पहले उसने मेरे को पैरालाइज किया, फिर उसने मेरे को पॉइजन किया, बट वो ज़्यादा टाइम इसका स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगा, बस मेरा एक बार मैथ ग्रैब उसको लग जाए। ओके, बढ़िया 41 का डैमेज, काफ़ी बढ़िया, मतलब कम से कम उसको डैमेज दे दिया। उसके बाद आप सेड स्किन करेंगे, बिकॉज अपना एचपी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और आप मारे जा सकते हैं, बिकॉज वो सारे के सारे अजीबोगरीब अटैक किए जा रहे हैं जो हमारी वाट लगा सकता है। ओके, तो बढ़िया सेड स्किन से अपना कम से कम आप एचपी रिकवर होता रहेगा, सो अपने को अब एचपी का कोई टेंशन नहीं लेने का है, अब अपने को उसको सीधा लड़ने का है, वैसे इससे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है, बिकॉज अर्थक्वेक इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा और अपने पास बाकी अटैक्स ग्रास टाइप है, और ग्रास के ऊपर ग्रास टाइप इफेक्ट मतलब अटैक इफेक्ट होता नहीं है। ओके, बढ़िया, और भाई सब पैरालाइज काय कर रही है, मतलब यह लौंडा हमारी वाट लगा सकता है, काइंड ऑफ अपने टाइम बर्बाद कर सकता है और कुछ नहीं। ओके, बढ़िया, क्या कर सकते हैं अब, अपने को
इसी हिसाब से चलना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर ग्रास अटैक ही करना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। अपन हाइड्राजा का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हाइड्राजा का अपन यूज किए तो हाइड्राजा मारा जा सकता है, क्योंकि वो सामने वाला ग्रास टाइप यूज कर रहा है। ओके, एक और किंटापॉड। ओके, नटक्रैकर, लेट्स गो। अब भाई सब मिस काय कर रहा है, मतलब ये लौंडा मिस करेगा तो भाई हमारी वाट लग जाएगी, मतलब या। ओके, ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ ऐसा अटैक किया ही नहीं था जिससे मेरी वाट लग जाए, बट ठीक है। ओके, सेड स्किन, बिकॉज अपनी एचपी कम है, अपने पास और कोई रास्ता नहीं है वो अटैक इस्तेमाल करने के सिवाय। ओके, बढ़िया, अपना पॉइजन नहीं है तो ये काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज अब आप अपना एचपी रिकवर कर सकते हैं। और ये बार बार मेरे को क्यों पैरालाइज कर रहा है भाई, मेरे को गुस्सा आ रहा है इस बंदे के ऊपर, बट ठीक है। ओके, भाई सब किंटापॉड मार दे भाई, नटक्रैकर। ओके, किंटापॉड, सॉरी, वैसे मेरे वाले का किंटापॉड नहीं नाम है, मेरे पास वाले का स्टैम्पॉड नाम है, बट उसको कुछ डैमेज नहीं हुआ। नटक्रैकर मार क्यों नहीं रहा है भाई, कितना पैरालाइज होगा भाई, मार देना यार, प्लीज़ ब्रो मार दे भाई, अब कितना पॉइजन करेगा भाई ये लौंडा भाई, कहते ही मेरा मूड ख़राब कर रहा है, बस एक बार ये मर जाए मैं इसका खोपड़िया तोड़ दूंगा, मतलब यार ये बंदा अच्छा है, मेरे सामने नहीं है लिटरली, तो क्या ही बोलना। ये डस्टी स्पॉट भाई, ये क्या है भाई, कितने स्ट्रेटजी यूज करेगा कि, थैंक गॉड भाई सब, थैंक गॉड फाइनली इसको मेरा अटैक पड़ा, फाइनली। पता नहीं इसने कितने सारे इफेक्ट मेरे अंदर डाल दिए, मतलब इसने मेरे को पॉइजन कर दिया, पैरालाइज कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, क्या ही बोलना। और अपने क्या बोलते हैं, क्या सी ड्रैक का 36 लेवल हो गया, बट ठीक है। ओके, डार्क जेमा, ओ लेट्स गो, इसे अपने को डार्क जेमा का काम है और डार्क जेमा अपने को मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्लेस है, और ये बंदी मेरे से क्यों लड़ रही है भाई, मेरे को नहीं लड़ना है, मेरे को जाने दो, मेरे को डर लग रहा है इधर से। देर आर अ क्रू हियर यू कांट फाइंड एनी वेयर एल्स, दे आर ऑल माइन। ओके, तो यहाँ के जितने भी तुम क्रू देख रहे हो वो कहीं और तुम नहीं ढूंढ सकते, और ये सारे मेरे हैं। वाह भाई साहब, बट मैंने पकड़ने का सोचा भी नहीं है। वैसे मेरे को एक ग्रो डार्क टाइप, तो मैं इसको इवॉल्व कर रहा हूँ सीड्रैक को, तो आई थिंक सो मेरे को ज़रूरी नहीं है डार्क टाइप का, मेरे को जहाँ तक लगता है, मतलब या। ओके, सो हाइड्राजा को बुलाते हैं, बिकॉज स्टैम्पॉड की हालत खस्ता है, कोई भी देख के बता देगा, बिकॉज वो काफ़ी खतरनाक बैटल लड़ा, क्योंकि ग्रास टाइप के सामने ग्रास टाइप अपनी वाट लग गई, बट आप उनको इधर एडवांटेज है, बिकॉज अपने पास है हरिकेन और वो है एक एयर टाइप, तो उसके ऊपर इफेक्ट तो होना चाहिए, हरिकेन नहीं इफेक्ट हुआ तो फिर बात ही अलग है, मतलब क्या ही बोलना। ओके, एक ड्रैगन टाइप इसके पास जिसका नाम है लुमिनेम। ओके, तो मेरे को लुमिनेम का बच्चा चाहिए, वैसे ये नॉर्मल टाइप है बट ठीक है, उसके ऊपर आई थिंक बाइंड इफेक्ट होना चाहिए 36 का, कुछ खास डैमेज तो नहीं हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, आपने उसको ट्रैप कर दिया तो वो अपना क्रू अब बदल नहीं सकता, तो अपने पास कहें तो एडवांटेज है, मतलब इस लौंडे को आप अकेले में भर सकते हैं और ये कहीं भाग नहीं सकता। ओके, सो गस्ट अटैक, वैसे गस्ट से कुछ डैमेज होता नहीं है बट ठीक है, फिलहाल के लिए आप वही कर सकते हैं, मतलब अपने पास कुछ है नहीं तो उसी के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो ब्राउन करके पहले एच पी बढ़ाते हैं, ब्राउन मुंडे। ओके, बढ़िया, ये डैमेज तो दे रहा है भाई साहब, वो लगातार दो दो अटैक कर रहा है भाई, वो मेरे से ज़्यादा फास्ट लौंडा है, मतलब या। एक और बाइंड, फिर से इसको ट्रैप कर लो, इसको लौंडे को भागने नहीं देना है, मतलब या, ये भाग गया तो फिर हमारा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, मतलब इसको इतना ज़्यादा लो एच पी करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओके, बढ़िया। ओके, उसका ट्विस्टर भी ठीक ठाक अटैक, मतलब डैमेज दे रहा है, बट अब अपने सामने वो अभी फिलहाल के लिए नल्ला ही है, वो भाई सब क्या ही बचा, मतलब देख रहे हो उसका एचपी तक नहीं दिख रहा है, बट क्या बोलना, किस्मत है लौंडे की, अपने को हरिकेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास कोई अलग मूव है नहीं, डैट्स वाई क्या कर सकते हैं, उसने कम एचपी के लिए अपन ने अपना अल्टीमेट मूव बर्बाद कर दिया, बट और कोई रास्ता नहीं है, डैट्स वाई अपन ने बर्बाद कर दिया। ओके, तो अगला भी उसके पास वही है, नहीं इससे तो मैं पहले लड़ चुका था, मतलब या उसने स्विच कर लिया था, तो मैं सोचा कि फिर से वही, मैं सेम बंदे से कैसे लड़ रहा हूँ, मतलब मैंने फोकस नहीं किया था, मैं एक छुटकू से लड़ रहा था, मतलब या एक क्यूट से ड्रैगन से, बट ठीक है। सो ब्राउन करते हैं, पहले अपना एचपी बढ़ा लेते हैं, बिकॉज एचपी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और अपना डिफेंस भी बढ़ जाता है इस अटैक से, तो आप उन एडवांटेज में आ जाते हैं, बिकॉज उसका अटैक अपने ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया, कम से कम इसके ऊपर डैमेज हो रहा है, दैट्स वाई काफ़ी बढ़िया, वैसे मेरे को लगता नहीं है कि इसके ऊपर और कोई अटैक काम करेगा। सो या, वैसे गस्ट अटैक ऑफकोर्स इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज ये एयर टाइप है भाई साहब, मेरे पास कोई एक क्रू ऐसे बचे नहीं है जो इसके ऊपर इफेक्टिव है, मतलब या। सो हाइड्राजा ही एक बंदा है जो उनके सामने टिक सकता है, बट हाइड्राजा की भी वाट लग सकती कहीं उसके पास कोई खतरनाक क्रू रहा तो। ओके, सिद्रैक 37 लेवल का, तो बढ़िया। सो फिलहाल के लिए उसका अगला है, क्या बोलते हैं, अजीब सा एमोफोन,
ओके, तो ये है डार्क टाइप एंड रॉक टाइप, तो अपन इस पे एडवांटेज में आ सकते हैं बिकॉज अपने पास एक ग्रास अटैक है और वो एक घोस्ट एंड रॉक टाइप है, तो अपन कहें तो काइंड ऑफ एडवांटेज में है, मतलब या काइंड ऑफ ओके। घोस्ट अटैक, वैसे मेरे को हीलिंग एबिलिटी की अभी ज़रूरत है, मेरे को ब्राउन फटाफट अवेलेबल चाहिए भाई साहब, दे दे भाई। ओके फाइनली ब्राउन, बहुत बढ़िया। डिफेंस नो प्रॉब्लम, ओके। हरिकेन, आई थिंक सो भाई साहब हरिकेन क्यों मिस कर देते हैं, मतलब इन लोग नॉर्मल अटैक मिस करो तो समझ आता है भाई, अल्टीमेट क्यों मिस करते हैं, मतलब अल्टीमेट मिस करो तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है यार। एक तो इतना मुश्किल से वो चार्ज होता है, उसके बाद इन लोग अटैक मिस भी कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मतलब क्या ही बोलना, अल्टीमेट अटैक मिस होना नहीं चाहिए था, बट क्या बोलना। ओके बढ़िया, अपने को गस्ट अटैक इफेक्ट यूज करना पड़ेगा, वैसे इफेक्टिव है ना इसके ऊपर, बट क्या कर सकते हैं यार, अपना अल्टीमेट किसी काम नहीं आया, मतलब मिस हो गया वो अटैक, ठीक है कॉन्स्ट्रक्टिव, वैसे अपन इससे अब इजीली इसको मार देंगे, और आई थिंक सो उसके सारे बंदे समाप्त हो गए। ओके ओके, यू कैन हैव सम, ओके तो तुम कुछ ले सकते हो थोड़े बहुत। वाह भाई साहब, मतलब ये बंदी बड़ा जल्दी बात बदल दी, बट ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ बोले तो पूरे के पूरे डार्क क्रू मिल रहे हैं, तो तुम लोग को डार्क क्रू चाहिए रहेगा तो आके इधर से पकड़ सकते हो, मतलब या वैसे तो मेरे को नहीं चाहिए बिकॉज मैं सिड्रैक को डार्क टाइप में इवॉल्व करने वाला हूँ, तो या मेरे को उसकी अभी ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी ओके। एक और ट्रेनर भाई, कितने ट्रेनर है यार यहाँ, लेट्स सी व्हाट हियर, ओ आई डिड नॉट सी यू देयर, ओके तो बोलता है कि इधर हो क्या रहा है, चलो देखते हैं, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मतलब ये कहना क्या चाहती है मेरे को नहीं देखी, मतलब क्या ये अंधी बंदी है क्या। ओके अच्छी बात है भाई, इसके पास एक क्रू है, बहुत बहुत थैंक यू, और प्लस रॉक टाइप है, बहुत ही बहुत थैंक यू, मतलब सुपर डुपर थैंक यू तुम्हारा एक ही क्रू रखने के लिए, बिकॉज अपना हाइड्राज है इसको इजीली मार देगा और अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, मतलब एक्सप्लोरेशन की वजह से मेरे को इतना टाइम लगता है, नहीं तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपन फटाफट चाहे तो एरिना वरीना क्लियर कर सकते हैं, मतलब या बट मेरी आदत यह है कि मैं कोई भी गेम खेलता हूं तो उसको फुल एक्सप्लोर करके ही खेलता हूं, दैट्स व्हाई मैं एक्सप्लोरेशन नहीं बंद कर सकता। अब चाहे तुम लोग को एपिसोड पसंद आए या ना पसंद आए उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट या मेरे को गेम के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, दैट्स व्हाई एक्सप्लोर करना पड़ता है, और स्टोरी के बारे में भी जानने के लिए हमें एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है। जैसे उस आंटी ने हमें इवोकर के बारे में बताया, मतलब बहुत साल पहले जो भी वॉर हुआ था, तो वो वॉर की कहानी सुना रही थी आंटी, मतलब बजा रही थी घंटी, बट ठीक है आंटी के कहानी से इतना तो समझ आया कि इन लोग ने ये गेम बनाया तो सिर्फ दुनिया के शांति के लिए, बट दुनिया में शांति है वो तो पता नहीं, बट अब शांति से पूछना पड़ेगा, अब शांति कहाँ मिलेगी वो तो मुझे नहीं पता, वो तुम लोग ढूंढो, मतलब या ओके बढ़िया। तो 52 लेवल का हो गया अपना हाइड्राजा, बहुत ही बढ़िया, और सी ट्रैक हो गया 38 लेवल का, जिसके साथ न्यू एबिलिटी आ गया है क्या, रिपेल फायर। ओके तो आई थिंक सो ये अब रिपेल फायर की वजह से अपने को फायर टाइप क्रू नहीं मिलेंगे, मतलब या मेरे को जहाँ तक लगता है, अब मिल गए तो बात अलग है। भाई सब कितने बंदे हैं भाई, मेरे को माफ़ कर दो, मैं गलती से इधर आ गया था, आई कम हियर ऑफिशियली फाइंड सम पीस क्या असेंशन देन शो अप। ओके तो बोलता है कि मैं ऑफिशियली इधर आया था, मतलब कहें तो शांति के लिए, बट इसको क्या बोलते हैं कब्र में शांति मिल सकता है, मतलब यहाँ जो क्या बोलते हैं मुर्दा घर होता है उधर शांति मिलता है, क्या ही बोलना, अजीब ही बंदा है भाई साहब, यहाँ शांति कौन लेने आता है, मतलब शांति तो तुम्हारे घर में मिल जाएगी, क्या बोल रहा हूँ, मतलब ढूंढोगे तो कहीं भी मिल जाएगी, बट यहाँ कौन शांति लेने आता है। ओके सो अपने को स्टैम्प पॉड यूज करना पड़ेगा, वैसे वो अपने ऊपर भारी है बिकॉज वो एयर टाइप है, और अपन स्टैम्प पॉड ग्रास टाइप है, सो काइंड ऑफ उसका कहें तो अपने सामने वो ज़्यादा पावरफुल है, बट अपने पास स्किन सेड है फिलहाल के लिए, अपने आप को हील करते हैं, बस पॉइजन मेरे ऊपर से हट चुका हो तो बढ़िया बात है, मतलब या पॉइजन अच्छी लगता है मेरे को, हट चुका है, मतलब वो पॉइजन लगा अभी तक होता तो अपनी वार्ड लग चुकी होती, और वैसे वो बंदा डैमेज काफ़ी दे रहा है बिकॉज उसका सारा अटैक एयर टाइप है, और वो अपने ऊपर ऑफकोर्स डैमेज देगा ही देगा। तो अर्थक्विक से शुरुआत करते हैं, आई थिंक सो अर्थक्विक डैमेज देगा से ज़्यादा मिस करेगा, मतलब या अर्थक्विक का काम है अटैक मिस करना, वैसे मैस ग्रेव आई थिंक सो कुछ खास इफेक्ट दे दे या डैमेज दे दे, बिकॉज ये अल्टीमेट अटैक है, ये डैमेज दे तो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके बढ़िया, ओके सो नट क्रैकर इस्तेमाल करें या लीफ कैनन, वैसे लीफ कैनन ज़्यादा उसके डैमेज देगा तो लीफ कैनन के साथ जाते हैं, बट अटैक ये मारने वाला है नहीं, तो या मतलब स्टैम्पोर्ड का भी मूड नहीं है लड़ने वड़ने का, वो लौंडा बोल रहा है मैं आराम करूँगा, वैसे अर्थक्विक मार दे भाई प्लीज़ अर्थक्विक स्टैम्पोर्ड के बच्चे, थैंक यू स्टैम्पोर्ड, मतलब ये कभी कभार भाई मेरी बात मान लेता है, तो या काफ़ी बढ़िया बात है, वैसे नट क्रैकर से आई थिंक उसका बात बन जाना चाहिए,
वैसे ग्रास टाइप अटैक है तो उसके ऊपर इतना इफेक्ट तो नहीं होगा, बट ठीक है, ठीक ठाक इफेक्ट हो रहा है तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब ना इफेक्ट होने से अच्छा इफेक्ट हो तो रहा है। ओके सेड स्किन बहुत बढ़िया। ओके भाई साहब एचपी तो उसने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया, बट अपने ने सेड स्किन यूज किया था दैट्स वाई अपन एडवांटेज में, मतलब या उसने जो एचपी अपने कम किया था वो अपन ने रिकवर कर लिया, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट भाई साहब इधर के बंदे हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं, तो इन बंदों से लड़ना मतलब अपने आप से पंगा लेना, मतलब या क्या ही बोलना। ओके लीफ कैनन जो हो गया फिर से मिस, मतलब भाई साहब क्या ही बोलना है लीफ कैनन के बच्चे को। नट क्रैकर भाई मिस मत होना प्लीज़, मार दे प्लीज़, स्टैम्पॉड मार दे प्लीज़ भाई। ओके थैंक यू, मतलब भाई इससे भीख मांगनी पड़ती है, मतलब सामने वाले के ऊपर अटैक करे, अजीब ही लौंडा है भाई, तुम्हें रोने पे मजबूर कर देगा स्टैम्पॉड का बच्चा, मतलब या। ओके नेक्स्ट ट्रू उसका कौन सा है, ओके वर्जन वन आर्केन वर्जन वन, अजीब ही नाम है, चलो ठीक है, आई थिंक उससे अर्थक्विक इफेक्ट होना चाहिए। 40 का डैमेज नॉट बैड नॉट बैड, मतलब या कम से कम डैमेज तो हो रहा है मैस ग्रेव। ओके वार्म अप कर रहा है बंदा, अपनी पावर बढ़ा रहा है, बट अपने को पावर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं बिकॉज आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उसकी वाट लगा सकते हैं। ओके बस उसको नट क्रैकर पड़ जाए तो, ओके नट क्रैकर प्लीज़ लग जाइयो प्लीज़, स्टैम्पॉड भैया मार दो, मतलब भाई साहब इसको अटैक मारने के लिए बोलने के लिए प्लीज़ कहना पड़ता है, मतलब या जब जब मैं प्लीज़ कह रहा हूँ जब तक भी अटैक मार रहा है, नहीं तो ये मारता ही नहीं है भाई, मिस कर देता है। ओके 53 का लेवल हो गया भाई साहब, क्या ही बोलना, स्टैम्पॉड बिन फोकट का लेवल अप हो रहा है, मैं प्लान किसी और को लेवल अप करने का बनाया था बट लेवल अप कोई और हो रहा है, क्या ही बोलना, बिकॉज अपने वो बाकी क्रू मारे गए हैं, मेरे को लगता है ऑफलाइन उन लोगों को लेवल अप करना पड़ेगा और इन बंदों को। ओ ये वर्जन 3 है वादा है, तो वर्जन 1 वर्जन 3 अजीब है, मतलब क्या ही बोलना, बहुत ज़्यादा अजीब है, मतलब सुपर डुपर अजीब है, क्या ही बोलना, ये कैसे क्रू है, मतलब इन लोग के ऊपर वर्जन क्यों लिखा है, ये क्या एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है क्या, मतलब यह मेरे को ऐसा लग रहा है ये एक्सपेरिमेंट द्वारा बनाए गए हैं, दैट्स वाई इन लोग के ऊपर वर्जन 1, 2, 3 लिखा है, मतलब जो भी है। ओके अब वो मैं कैसे लूँगा, मेरे को इधर जाना पड़ेगा बट उस लौंडिया से भी लड़ना पड़ जाएगा, मतलब क्या ही बोलना यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, एक से बचो तो दूसरा वाट लगाएगा, दूसरे से बचो तो तीसरा वाट लगाएगा, मतलब तुम्हारी वाट लगनी यहाँ फिक्स है, सिंपल सी बात, अब ये लड़ेगी, मतलब या ऑफकोर्स ये लड़ेगी। ओके वॉट यू कैन टीच मी यू ग्रेजर, ओके तो बोलते हैं कि तुम्हें ये क्या हिस्ट्री सिखाओगे, मुझे पता है भाई साहब बच्चे लोग आजकल कुछ ज़्यादा घमंड नहीं करते, मतलब इन बच्चों को क्या ही बोलना। ओके सो फिलहाल के लिए अपना स्विच कर लेते हैं, अपना फर्नेस जिंदा है नहीं, अपना सीड्रेक तो उसके सामने टिकेगा नहीं, हाइड्राजा भी नहीं टिकेगा, बट फिलहाल के लिए मैं हाइड्राजा को बुला रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आप उन जीत सकते हैं, बस वो कोई ख़तरनाक अटैक ना करे तो। ओके ब्राउन अपने आप को हील कर ले हाइड्राजा के बच्चे, थैंक यू, वैसे उसका इतना तो पावरफुल होगा कि अपना 72% एचपी वो घटा दे तो मेरे को ऐसा लगता है, बट हरिकेन से अपन शुरुआत करते हैं, आई थिंक सो हरिकेन उसके ऊपर इफेक्ट हो और उसकी वाट लग जाए, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है, मतलब कुछ ना कुछ तो डैमेज देना ही चाहिए। ओके 21 का कोई मतलब नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, भाड़ में जाए हरिकेन, भाड़ में जाए ये ग्रास वाला जो भी क्रू है, और भाड़ में जाए ये क्या बोलते हैं अपना हाइड्राजा, मतलब भाई कुछ डैमेज ही नहीं दे रहा यार, क्या ही बोलना, और अपने जो डैमेज देने वाले बंदे हैं वो एक्चुअल में मरे हुए हैं। ओके बाइंड काफ़ी बढ़िया डैमेज दिया, लेट्स गो, मतलब मुझे लगा बाइंड भी डैमेज नहीं देगा बट बाइंड ने अपनी इज्जत बचा ली। ओके गस्ट अटैक है अपने पास, तो अपन ग्रास टाइप के ऊपर अपना गस्ट अटैक इफेक्टिव तो है बट अपने को उसने सुला दिया, तो आप उनकी वाट लगनी अभी कहें तो चालू हो गई बिकॉज आप उन सोच चुके हैं, तो वो अपने पर कोई भी अटैक कर सकता है और अपनी वाट लग सकती है। उठ जा भाई हाइड्राजा, सुबह हो गई मामू। ओके तो फाइनली हाइड्राजा उठ चुका, बट फाइनली भाई साहब नट कराकर, बट अच्छी बात है अपने को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, बट ब्राउन से अपना एचपी रिकवर हो जाएगा, ये काफ़ी बढ़िया। ओके क्या करें इसके ऊपर, बाइंड अटैक करें बिकॉज बाइंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, दैट्स वाई। ओके फाइनली इस लौंडिया से भी जीत लिया, वैसे ये लौंडिया एक ही क्रू रखी थी तो ये काइंड ऑफ अपने लिए फ़ायदेमंद है, मतलब या क्या ही बोलना। ओके आई एम लिसनिंग, ओके तो बोलती है मैं सुन रही हूँ, वाह भाई साहब बस बच्चों को दो चमाट बजाओ उन लोग इजीली कुछ भी बात सुन लेते हैं, मतलब या क्या ही बोलना, ईजी पीजी आंसर, मतलब या। ओके भाई साहब इधर क्रू काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब है, मतलब या क्या ही बोलना, अजीब व गरीब क्योंकि ये अजीब सा इलाका ही है वेड लिंक, भाई साहब ये कौन सा लिंक मिल गया मेरे को, मतलब अजीब व गरीब चीज़ें मिले जा रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ, अजीब व गरीब एरिया है, अजीब व गरीब यहाँ के क्रू हैं, और मेरे को सच बोलूँ तो रेपल लगा लेना चाहिए बिकॉज यहाँ डार्क टाइप काफ़ी ज़्यादा है, मेरे को रेपल लगाना पड़ेगा। रुको तो मैं सबसे पहले अपने टीम में जाता हूँ और देखता हूँ उसके पास है क्या वो रेपेल, मतलब या
ये शायद डार्क टाइप के सामने नहीं, इसके पास रेपल फायर है, मतलब ये फायर टाइप के सामने रेपल यूज कर सकता है। सो इसके पास है क्या, और डार्क रेपल नहीं इसके पास, तो अट्रैक्ट का एबिलिटी है, मतलब ये उन लोग को बुलाएगा। और इसके पास है टनल ना, इसके पास फायर का है नहीं, ये वाटर रेपल है इसके पास, तो ये वाटर टाइप को दूर रखता है। और ये आई थिंक सो रेपल ऑफ नेचर, तो ये ग्रास टाइप को दूर रखता है। भाई मेरे पास कोई ऐसा नहीं है क्या जो डार्क टाइप को दूर रखता है, मतलब होगा शायद से मेरा हाइड्राजा शायद हो। ओके तो ये इलेक्ट्रिक टाइप को दूर रखता है, भाई साहब अजीब ही है, मतलब क्या ही बोलना भाई साहब। ठीक है छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इन लोग अजीब ही गरीब काम कर रहे हैं। मतलब मुझे लगा इसमें से कोई ऐसा बंदा होगा जो कोई ढंग का काम करता होगा, बट ठीक है। तो उधर एक और अजीब सा चीज़ पड़ा है, आई थिंक सो उसमें डार्क जेमा है, वैसे मेरे को डार्क जेमा की ज़रूरत है, सो ये अपने को करना पड़ेगा। और ये रेपेल अपने पास है नहीं, तो इन लोग का थोपड़ा देखना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती, और कुछ नहीं कर सकते अपन, मतलब ये अपने पास कोई अलग ऑप्शन है नहीं। बट ये बात है अच्छी कि अपन इन लोग से अब बैटल स्केप कर पा रहे हैं, सो ये अपना एक हिसाब से फ़ायदा है, बिकॉज अपन इन लोग से लड़ना नहीं पड़ रहा है, तो अपन फटाफट अपना वो मतलब जो भी मटीरियल है उठा पा रहे हैं। और या ओके सो अब यही बंदा बच्चा, इसको फटाफट इधर से भगाते हैं और उसको लेते हैं, वो आखिर उसमें पड़ा क्या है, और फिर देखते हैं कि इधर और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है कि नहीं है। नहीं है तो भाई इधर से निकलते हैं, बिकॉज भाई ये काफ़ी अजीब है यार, मतलब यहाँ के लोग बहुत ख़तरनाक हैं, मतलब क्या ही बोलना, इधर के लौंडे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ओके असेंशन स्टोन, मतलब हमने को लेवल अप स्टोन मिला है, तो कहें तो अपन लेवल अप कर सकते हैं एक, बट एक लेवल का अपन क्या करेंगे, मतलब इतना सिर जा पटके और अपने को मिला एक असेंशन स्टोन, जिसका अपने को इतना कुछ खास काम है नहीं, बिकॉज अपन लेवल अप तो वैसे भी कर सकते हैं। सो या ओके आई थिंक सो मैंने इससे नहीं लड़ा था, वाह भाई साहब। ग्रैंड डेड आई होप यू क्या डोंट यू नो दिस आर रूट टू स्नेक अप पीपल। ओके तो आई थिंक सो ये अपने ग्रैंड फादर से बात कर रहा था, मतलब ये अपने कहें तो दादाजी से बात कर रहा था, और आप उन गलती से आ गए, तो ये बोलता है कि लोगों को ऐसे देखना बुरी बात है। बट भाई साहब बुरी बात मेरी नहीं है, मतलब लड़ तू रहा है तो बुरी बात तेरी है, मतलब या मैंने तो कुछ किया ही नहीं था और तू आ गया लड़ने। तो हाइड्राजा को बुलाते हैं, बिकॉज इसके पास है रॉक टाइप, तो हाइड्राजा शायद इसकी वाट लगा पाए मेरे को जहाँ तक लगता है, और वो अपने दादाजी से आराम से बात कर पाए। मतलब भाई साहब इन लोग अजीब लोग हैं यार, तुम लोग दादाजी से बात कर रहे थे तो करना चाहिए था ना भाई, मेरी बात क्यों सुना, मतलब यार मेरे को देखने की क्या ज़रूरत थी इसको। ओके 108 का डैमेज, भाई साहब क्या ही बोलना, मतलब फर्स्ट टाइम हरिकेन इतना ज़्यादा डैमेज दिया है, वैसे मेरे को हरिकेन से उम्मीद नहीं था, बट ठीक है। तो बाइंड अटैक करते हैं जिससे कम से कम वो अपना क्रू ना बदल पाए और अपन उसको इजीली मार पाए। ओके बाइंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोले तो डार्क टाइप के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, आई डोंट नो क्यों इफेक्ट हो रहा है, बट हो रहा है तो काफ़ी बढ़िया, मतलब अपना ही फ़ायदा है। ओके कॉन्स्ट्रक्ट, वाह भाई साहब आप उनके मतलब मैक्सिमम अटैक कहें तो घोस्ट टाइप के ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, सो अपन फायदे में है। वैसे गस्ट अटैक क्यों नहीं पड़ा भाई, गस्ट अटैक पड़ जाता तो अपना काम बन जाता, बट ठीक है, मतलब यार ठीक है और क्या ही कर सकते हैं। वैसे इसके पास दो क्रू था ना, तो अपने को दो से लड़ना पड़ेगा यार, मेरे को बुरा लगता है यार इन लोग के पास एक एक क्यों नहीं है, मतलब इन लोग इसमें एक तो बैटल बहुत ज़्यादा लंबा जाता है पता नहीं क्यों, बिकॉज इन लोग सारे के सारे पावरफुल हैं, प्लस इन लोग के पास स्ट्रेटेजी है, मतलब दिमाग है, इन लोग जो चाहे दिमाग वाले क्रू यूज करते हैं। तो हाइड्राजा हो गया 53 लेवल का। ओके सो अगला उसका पता नहीं क्या है, ऑप्शंस। ओके ऑप्शंस के बच्चे को तो अपन बाल बाल बचा था हम लोग से, तो ऑप्शंस इस बार नहीं बचेगा। बाइंड अटैक, इसको अपन भागने ही नहीं देंगे, सीधा ट्रैप कर लेंगे। ओके बढ़िया सब करते, कॉन्स्ट्रक्टिव नहीं है भाई सब, गस्ट अटैक ही करना पड़ेगा, मुझे लगा कॉन्स्ट्रक्टिव होता तो अपन डायरेक्ट इसको सीधा खल्लास कर देते, बट अब अपन इसको ईजिली मार सकते हैं, तो या बढ़िया। चलो इसके पास कम से कम दो क्रू था तो ये काफ़ी बढ़िया है। ओके लेवल 40 का सीड रैक, ओ भाई साहब लेवल 40 का सीड रैक हो गया, बट मारे बाकी क्रू नहीं हुए, मतलब क्या ही बोलना। ओके तो बोलता है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहे वो करो, बट अभी तक तो फ़र्क पड़ रहा था। ओके मैं कुछ किया गलती से, मैंने मतलब कुछ तो एक्टिवेट किया बट मैंने पढ़ा नहीं, बट ठीक है इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज मेरे को एक और उधर मटेरियल दिख रहा था, तो मटेरियल पहले ले लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि आखिर उधर लिखा क्या है, क्या पता अपने को कोई लेजेंडरी क्रू के बारे में पता चल जाए शायद, मतलब कोई भरोसा नहीं बट ठीक है पता चल सकता है। ओके एक और डार्क जेमा, काफ़ी बढ़िया। वेयर इज द बेस क्या एंसेंट लिंक, ओके तो बोलता है आखिर एंसेंट लिंक है किधर, फाइंड द ऑल थ्री पीसेस मेक द होल वंस मोर। ओके तो तीनों पीसेस को ढूंढो और इसको पूरा करो, एज अ रिवॉर्ड फॉर यू आई हैव। ओके तो तुम्हारे रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें मिलूंगा, व्हाट द हेक, मतलब आई थिंक सो इसके अंदर कोई लेजेंडरी क्रू है, मतलब दैट्स वाई उसने कहा कि रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें मिलूंगा, मतलब या उसके अंदर कोई लेजेंडरी क्रू है, तो हमें तीन कोई मतलब मटेरियल ढूंढने पड़ेंगे जो उसको देना पड़ेगा, उसके बाद आप उन आई थिंक सो मतलब उस लेजेंडरी क्रू को पकड़ पाएंगे, मेरे को जहाँ तक लगता है,
मतलब यार उसके बाद से तो यही लगा, तो इतना तो पता चल गया कि इधर एक लेजेंडरी क्रू है, चलो इधर आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, मतलब यार कुछ तो फ़ायदा हुआ। मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट ठीक है ओके बढ़िया। तो इधर एक ही मटेरियल पड़ा है, इसको उठा लेते हैं, ये भी डार्क जेमा होना चाहिए, लेट्स गो भाई सब। तो आई थिंक सो अपना सीड्रेक अब डार्क टाइप में इवॉल्व हो पाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है, बट फिलहाल के लिए इधर से पहले बाहर निकलते हैं, फिर आराम से डार्क जेमे का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज भाई इन लोग अजीब ही गरीब लौंडे हैं भाई, बार बार मेरे को आके परेशान करे जा रहे हैं, मतलब या इस जगह पर रहने लायक नहीं, मैं इधर से राफू चक्कर हो रहा हूँ फटाफट, मतलब क्या ही बोलना, देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी इन लोग आ रहे हैं, और मेरे पास कोई डार्क क्रू है नहीं, और मेरे पास कोई ऐसा क्रू भी नहीं है जो मतलब डार्क रेपल यूज करता है, कि जिसकी वजह से मेरे डार्क से मतलब डार्क टाइप क्रू से मैं बचा रहा हूँ। भाई अजीब है बट क्या कर सकते हैं, मतलब या इसके सिवाय अपने पास कोई और रास्ता नहीं। वैसे उधर एक टेबल स्लॉट था, मतलब स्टोन था, जो मैंने पढ़ा नहीं, सो या बट फिलहाल के लिए पहले बैग चलते हैं, और बैग में अपना क्या बोलते हैं डार्क जेमा यूज करते हैं, उसको फटाफट देखते हैं कि वो आज के एपिसोड में इवॉल्व हो पाएगा, मतलब या मेरे को जहाँ तक लगता है हो सकता है, बिकॉज अपने पास चार डार्क जेमा है, और इतना डार्क जेमा काफ़ी होगा उसको इवॉल्व करने के लिए, मतलब या ओके एक और दे दे भाई। आई थिंक सो इससे इसका एफिशिएंसी फुल हो जाएगा, मतलब 5 से तो अच्छे अच्छे का एफिशिएंसी फुल हो जाता है, मतलब या ओके एफिशिएंसी इंक्रीज, लेट्स गो। अब आई थिंक सो एक और जेमा देना है, उसका काम बन जाएगा, मतलब या तो इसका ओके तो आई थिंक सो उसका फुल हो चुका है मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरे को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि सच में उसका फुल हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो देख के पता चलेगा। तो इन्फो में इसका डार्क फुल हो चुका है, मतलब ये अब इजीली डार्क टाइप में इवॉल्व हो जाएगा, तो अपने को अब ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब या बस उसका लेवल अप करना है। सो या फिलहाल के लिए मैं एक टेबल स्टोन मतलब स्टोन भूल गया था, उसको पढ़ना है, मेरे को जानना है कि आखिर वो है क्या, मतलब अपने अभी तक बहुत सारे टेबल स्टोन पढ़ चुके हैं, और अपने को मैक्सिमम अल्फाटाइट किंग के बारे में पता चला है, और जो मैट नाम का कोई बंदा है उसके बारे में पता चला, या वो क्रू है या पता नहीं क्या है, बट ठीक है ओके। तो ये टैबलेट 7 है ओके, टैबलेट 7 ईयर 3113 मैनी ऑफ ब्रीथन हैवन फॉलन टू माल ओके। तो सन क्या बोलते हैं 113 में बहुत सारे लोगों की सांसें रुक गई मालन की वजह से, वी हैव फॉलन मैनी ऑफ देयर चैम्पियंस ओके। तो हम लोग बहुत सारे चैम्पियंस खो दिए, डार्क ईयर ओके, तो एक काला साल, विल फील्ड ऑफ द मोस्ट फाइटिंग सीन्स द बिगिनिंग ऑफ वॉट नाउ कॉल्ड द प्राइम वॉर ओके। तो एक ऐसा मतलब लड़ाई जिसके वजह से मतलब प्राइम वॉर की शुरुआत हुई, वाह भाई साहब, मतलब या मेरे को लगता है कि ये जो टेबल्स नोट है या जो भी ये माल है जो आई थिंक सो क्रू व्रू है, मेरे को जहाँ तक लगता है वो क्रू है, सो या तो आई थिंक सो वो क्रू का ही बच्चा, मतलब कहें तो उस चीज़ को मतलब हैंडल वैंडल करता है, मतलब उसके अंदर वो क्रू को ही कैद किया गया है मेरे को जहाँ तक लगता है। और ये मैं कहाँ पहुँच गया जरा मैं देख लूँ, तो ये है कोर्ट ब्रिज, तो कोर्ट ब्रिज आई थिंक सो अपने को नेक्स्ट एरिया में ले जाएगा। तो या मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट एरिया में अपन अगले एपिसोड में चलेंगे यार, बिकॉज मैं सचमुच यार बहुत ज़्यादा बोर हो गया, बिकॉज इन लोगों ने मूड ख़राब कर दिया, मतलब या अपने को काइंड ऑफ जानकारी तो मिली काइंड ऑफ कहें तो, बट काइंड ऑफ एक हिसाब से अजीब भी था, मतलब वो बंदा जो भी अजीब सा डार्क टाइप उसके अंदर कौन सा क्रू है या क्या नहीं, मतलब मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए, बट मेरा गला बैठ गया है तो डैट्स वाई। तो क्या करते हैं आज का एपिसोड इधर ही एंड कर देते हैं। तो आई होप ये एपिसोड तुम लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक मार देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब मार देना। तो आज के एपिसोड में बस इतने के एपिसोड में, फिर मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय सायोनारा, और फिर मिलेंगे दोबारा।